हूँ। आप कितना एक्साइटेड हो और इतना प्यारा कॉन्सेप्ट कहाँ से निकल के आया, मैं ये जानना चाहूँगा। ये जो कॉन्सेप्ट है तो मैं बचपन से इंग्लिश गाने बहुत अच्छे गाते, तो दादू ने बोला था दैट व्हाई डोंट यू लाइक डू समथिंग डिफरेंट बिकॉज ब्लाइंडिंग लाइट्स एक पॉप रॉक है, बट मैंने रेगे जो फ्यूजन है जो बॉब माली मैं उनको देख के उनका जो स्टाइल है उनको वो गाने को मिक्स करके हम लोगों ने रिक्रिएट किया है। तो दीज सॉन्ग्स आर ऑल डिफरेंट जॉनर, वन इज रॉक, वन इज सैड, वन इज इमोशनल, वन इज पॉप, वन इज पंक, बीटल्स एंड आई डन। सो लाइक सपोज ब्लाइंडिंग लाइट्स pop, I said it's reggae, then yesterday it's soft, so I've done it more like a poppy soft, so like this concept is very unusual and it's very unique and this all came from my granddad because he only told me to do it. Hi, this is for Sunil Sethi. Sunil Sethi, I'd like to ask you that aaj ki nahi young generation ke baare mein aapke kya vichar hai aur kya unko itna kaam mil raha hai jitna wo deserve karte hain? 100%. यू नो यंग जनरेशन के बारे में डिबेट बहुत होता है, लेकिन आई थिंक यंग जनरेशन जितने टैलेंटेड है, जितने ऑनेस्ट है, शायद हम कभी नहीं थे। ऑफकोर्स उन्हें नॉलेज और एक्सपीरियंस ज़्यादा है बिकॉज दे सी सो मच, बट सोशली बहुत कॉन्शियस भी है ये यंग जनरेशन। आई एम श्योर वो अपने टैलेंट के साथ साथ सोशल रिफॉर्म करने की भी हमेशा कोशिश करेगा। आई मीन शायद पहले कभी ऐसे नहीं था कि बम्बई में बैठा हुआ बच्चा अगर यू नो टर्की में कुछ हो रहा है या सीरिया में कुछ हो रहा है तो उनकी कोशिश यही है कि सोशली वो उनको उनकी कितनी मदद कर सके, वो थॉट इनमें है। हम तो सिर्फ सोचते रहते थे कि वो कैसे हो सकता है, लेकिन ये बच्चे कर दिखा रहे हैं, सच्चाई उनमें कूट कूट के भरी हुई है। वो बाकी चीज़ें छल खपट उन्हें पता ही नहीं है क्या है। तो मैं इससे पहले भी जब गोविंद जी के साथ बैठा था तो मैं यही कह रहा था कि इनको लेगेसी अगर देनी चाहिए तो ऐसी क्लीन लेगेसी देनी चाहिए, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि घुस देना, ये करना, क्या करना है। तो मुझे 5 साल बाद 10 साल बाद एक ऐसा फ्यूचर देख रहा है जहाँ थिंग्स आर गोना बी क्लीनर, स्मूदर, खुश रहना चाहते हैं, अपने लिए मी टाइम निकालना चाहते हैं। तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें इन बच्चों से सीखने के लिए, टैलेंट के अलावा भी, यू नो, हाउ टू लिव लाइफ, हाउ टू बी हैप्पी, हाउ टू बी इंक्लूसिव, how to spread love or all that positive energy, you know. Aur isliye main hamesha kehta hu ki bachcho ko music mein, sport mein, outdoors mein involve rakhna bahut zaruri hai, kyunki ye jo social media ka jo influence hai wo kabhi kabhi khatarnak bhi ho sakta hai, you know. Jitna knowledge ke liye acha hai utna hi khatarnak bhi ho sakta hai, kyunki aap हर चीज़ पे पाबंदी है, दारू पे पाबंदी है, ड्रग्स पे पाबंदी है, ड्राइविंग पे पाबंदी है, इस पे पाबंदी है नहीं। 6 महीने के बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो हम उसके हाथ में फ़ोन दे देते या आईपैड दे देते और वर्चुअल दुनिया में वो रह जाते हैं। जिनको वो जानते नहीं है उनकी बातें सुनने लगते हैं, जबकि इंसानों की बातें सुनना ज़रूरी है। आई थिंक म्यूजिशियंस लाइक दिस, स्पोर्ट्समैन विल ऑलवेज कम फॉरवर्ड एंड चेंज द वर्ल्ड। हेलो रेखो, ये सामने आप बप्पी दादाजी को कितना मिस करते हैं इस इवेंट में, और उन्होंने आपको कुछ सलाह दी थी कि आप क्लासिकल म्यूजिक सीखो या कुछ आगे आने के लिए? आई रियली मिस दादू अ लॉट बिकॉज इफ यू वुड बी हियर देन यू वुड बी वेरी हैप्पी that all the songs have been made and they have been mastered and that's going to be released. So he would have been very happy, but he's there with us. He's physically not there, but he's always in our heart and always he'll always be known through his music, through his humbleness, through his simplicity and through his kindness. So the advice that my grandpa gave it to me, Dadu gave it to me, was to be humble, simple and to respect elders. That was the only 3 things he used to tell me to do. Wherever you go, like if you become a huge pop star, rock star, then always be humble, be generous, give to people whatever they want, just entertain people. That's what my grandfather used to do, and that's what I will do. Thanks. Hi. Also, he's training in classical music, seekh raha hai, aur bahut jaldi Indian classical ka cover bhi niklega, right? Hi, Rego, over here. On your right side, this side, right side, yeah. Congratulations, you're simply amazing. And congratulations to the entire family, you know, like Lahiri family. I just wanted to know, like, you are a replica of your, you know,
नादू या मतलब हमको उनकी याद पूरी दिलाती है. कभी मॉम से या डैड से कहा था कि उनकी जो एक स्टाइल थी यानी यू नो वो थोड़ा जो ज्वेलरी पहनते थे, अभी यू आर टू स्मॉल एक्चुअली, बट कभी उनकी ज्वेलरी वाली स्टाइल या यू हैव ऐसा कुछ सोचा है या मॉम डैड से आपने कहा है कि यू विल बी ऑल्सो एक स्टाइल अपनी मेंटेन करोगे ना, वे यू हैव दैट लुक वे योर दादू यूज्ड टू ऑलवेज लाइक ही वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम एल्विस या एल्विस प्रेसली या तो कुछ उस तरह से अपना एक लुक पर आप कुछ वर्कआउट करने के लिए कुछ बात हुई या योर मॉम एंड डैड वुड लाइक टू आंसर ऑन दैट. So my dress code, like, I want to be like Dadu only, like how he used to dress up. He used to wear his chains, his flashy clothes and his goggles, his glasses, his shoes. So I just want to, like the dress code which my Dadu used to wear, I just want to be like him and to make a name like him around the world and to keep the legacy forward and to work hard. Actually, I'll add. सोना पहनने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, ठीक है, और सोना कमाने के लिए तो अब तो ये शुरुआत है, खुद के बलबूते पे काम करके मेहनत करके सोना डायमंड जो पहनना है पहने का, राइट, एक के बाद एक सोने का चेन ऐड भी होगा. मेरा सवाल राजपाल जी से है, इधर सर. सर आज आप देखते हैं जो छोटे से बच्चे हैं, मैं तो यहाँ तक देखता हूँ बड़ी मुश्किल से 3-4 साल के बच्चे होंगे, उनको भी माँ बाप चाहते हैं कि वो सुनील शेट्टी बन जाए, राजपाल जी बन जाए, शाहरुख खान बन जाए, जो बचपन से एक प्रेशर आ रहा है सोशल मीडिया के कारण, इसको आप किस तरह से देखते हैं? बेसिक क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है ये, और इसके जवाब भी बड़ा मुश्किल है देना, लेकिन अगर ये छोटे बच्चे हैं तो हम सब बड़े बच्चे हैं. वी आर लकीस्ट पीपल इन दिस अर्थ कि हम लोगों ने 3 जनरेशन का पिछले 20 साल में, क्योंकि हमने अब चिट्ठी पत्री का भी ज़माना देखा, उसके बाद में हमने पेजर का भी ज़माना देखा, उसके बाद मोबाइल का भी ज़माना देखा, और उसके बाद सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, दिस होल वर्ल्ड बिकम स्मॉल विलेज, उसमें करोड़ों साइट्स हैं. चुनाव बहुत ज़रूरी है, और हर आदमी ये आज की, जैसे अन्ना से बात हो रही कि स्टार्टअप का ज़माना है, और स्टार्टअप में सबको स्टार्ट करना है और सबको दौड़ना है इस रेस में, लेकिन आपको चुनाव बहुत ज़रूरी है कि आपको सिलेक्ट क्या करना है, और उस सिलेक्शन में आप कितने डेडिकेटेड हैं, कितने पैशनेट हैं, कितने आपके अंदर हार्ड वर्क करने की क्वालिटी है. मैं तो ये कह रहा हूँ कि सब आगे बढ़ें, खूब सब सफल हों, रेगो खूब सफल हों, लेकिन इनको जो भी सफलता मिले उसको पचाने की शक्ति ज़रूर मिले, क्योंकि ये दुनिया ऐसी है कि जितने साधक होते हैं उतने ही फिर आगे पीछे बाधक हो जाते हैं, तो साधकों और बाधकों के बीच बैलेंस बना के चलिए, और जितना भी अच्छे मन से प्योरिटी के साथ कर पाइए करते जाइए, और बाकी चिंता मत करिए, क्योंकि चिंता करने के चक्कर में प्रेशर ज़्यादा होता है. कोई भी बैट्समैन हो, कल सेंचुरी मारी है, आज सुबह से पहली बॉल से उसका एग्ज़ाम है, तो एवरी डे इज़ वर्किंग डे, एवरी डे इज़ बिगिनिंग डे, एवरी डे इज़ न्यू डे. हर न्यू डे का ऐसे स्वागत करिए जैसे आप बच्चे ही हों. सुनील शेट्टी सर से मेरा सवाल है. सर एक वक्त हुआ करता था, हर माँ बाप चाहता था मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन कहीं ना कहीं अब लोग है ना बड़े पर्दे पर या टेलीविजन कहें या मोबाइल कहें उसके ऊपर काफ़ी आकर्षित हो रहे हैं. हर कोई चाहता है मेरा बच्चा स्टार बने, कहीं ना कहीं बॉलीवुड से जुड़े, एक्टिंग से जुड़े, ग्लैमर से जुड़े. आपको लगता नहीं क्या जो देश की तरक्की है जहाँ हमको डॉक्टर्स, लॉयर्स, साइंटिस्ट पैदा करना है, मोड़ हो रहा है कहीं ना कहीं, विजन घूम रहा है हमारा? बिल्कुल नहीं सर, स्टार्टअप की दुनिया है, टेक की दुनिया है, साइंस की दुनिया है, और उसी तरह लोग बढ़ रहे हैं. आप क्योंकि इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं, आपको सब एक्टर्स और सिंगर और डांसर ही दिख रहे हैं, लेकिन मैं जब दुनिया घूमता हूँ तो मुझे यूनिवर्सिटी जाता हूँ तो मुझे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, और जिससे लोग खुश होते हैं. माँ बाप बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन बच्चा क्या चाहता है ये जानना बहुत ज़रूरी है. एक बार हम जान लिए कि बच्चा क्या चाहता है और उसकी खुशी पर हम ध्यान दें और उसे एनकरेज करें, तो वैसे ही रहना चाहिए. पहली बात तो हम माँ बाप को सोचना बंद कर देना चाहिए कि मेरा बेटा या बेटी क्या चाहता है, को क्या बनना चाहिए. उन्हें ये देखना चाहिए कि मेरा बेटा और बेटी चाहते क्या है, खुश कैसे रहेंगे, एक दूसरे को साथ लेकर कैसे चलेंगे. तो आई थिंक ऑल प्रोफेशनल्स are good, all professions are good, and I think Bharat wo progress kar raha hai, har department mein wo progress ho raha hai. Shayad pichle
डेकेड में जितना प्रोग्रेस दुनिया ने नहीं किया है, भारत ने हर क्षेत्र में किया हुआ है। और हर छोटा जो काम, जो पहले लोग छोटा ब्ला 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 कहते थे, वो आज ब्ला 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 नहीं रहा, वो एक प्रोफेशन बना हुआ है। घर चलाना सबसे इम्पोर्टेंट, रिस्पेक्ट रखना सबसे इम्पोर्टेंट। आई थिंक द वे इंडिया इज मूविंग बहुत ही खूबसूरत है, एंड आई विल ओनली विश इट इवन मोर पेस। राजपाल जी, जैसे आपने कहा था कि हर एक में एक बच्चा होता है, और आपने भी बच्चे की बात ही की, यू नो, जब तक अपना दिल जवान है हम बच्चे ही है, यू नो। कल अगर इलू इलू वाला दिन है, एक्चुअली वैलेंटाइन डे है, आज भी उस पर कितना आप यकीन मतलब मनाते हो? अन्ना, आपसे भी जानना चाहेंगे, हूएवर वांट्स टू नो। मैं तो चाहता हूँ कि प्यार बरसता रहे, चाहे माँ बाप हों, चाहे बच्चे हों, चाहे जिनके बच्चे बूढ़े नौजवान, सबके बीच में हर दिन जो है वैलेंटाइन डे हो, 365 दिन वैलेंटाइन डे हो, और उसमें एक दूसरे को रोज़ हक करें, रोज़ विश करें, जैसा अन्ना ने बोला कि बगैर किसी प्रेशर के, क्योंकि एवरी डे इज लर्निंग डे, हम भी रोज़ सीख रहे हैं, हम भी अपग्रेड होने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें ये लगता है कि उसमें बोलते ना कि आत्मविश्वास, परिश्रम, प्यार सफलता की कुंजी है। जो भी आपका कॉन्फिडेंट है, जो भी आप कॉन्फिडेंस से काम करते हैं, हार्ड वर्क से करते हैं, लेकिन लव हर चीज़ में विद्यमान रहे। लव बहुत ज़रूरी, क्योंकि आज पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा सिचुएशन ऐसी है कि सबको आगे बढ़ना है, और इसमें प्रेशर मुक्त होके प्यार के साथ जो काम करिए, सबका स्वागत करिए, और हर दिन प्यार बरसाइए, हर दिन प्यार बरसाइए। Yeah, because Valentine for me is not about a boy and a girl. Valentine is about somebody you love. It could be your pet. It could be your family. So Valentine, jaise Rajpal ne kaha, Valentine's Day celebrate karna bahut zaruri hai. Kahin na kahin hum bhool gaye pyar ka izhar bhi karna aur pyar ko celebrate karna. So I think it could be your love for your country. It could be love for a sport. But I think the whole meaning is ki kal se shuru kijiye aur agle Valentine tak वो प्यार बरकरार रखना, यू नो, दैट फॉर मी इज वैलेंटाइन, एंड दैट्स व्हाई यस आई डू बिलीव इन वैलेंटाइन, बट फॉर लव एंड नॉट फॉर जस्ट टू इंडिविजुअल्स, अ मैन और अ वुमन, एंड यू नो, अ कपल।